हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है अफसर खान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक न्यू क्रिटिक्स की, जिसका नाम है आई ए रिचर्ड्स। इनका पूरा नाम था आइवर आर्मस्ट्रांग रिचर्ड्स और ये जाने जाते हैं आई ए रिचर्ड्स के नाम से। और ये एक इंग्लिश एजुकेटर थे, लिटरेरी क्रिटिक थे, रेटोरिशियन थे और इनके वर्क्स ने न्यू क्रिटिसिज्म मूवमेंट को फाउंड करने में, मीन्स इस्टेब्लिश करने में उसको काफ़ी योगदान दिया। अगर आप इस वीडियो में नए हैं और आपको नहीं पता कि न्यू क्रिटिसिज्म क्या होती है, तो आप डिस्क्रिप्शन से या आई बटन से न्यू क्रिटिसिज्म की वीडियो देख सकते हैं, उसमें आपको आइडिया हो जाएगा कि ये क्या होता है। फिर भी इस पर बात कर लेते हैं थोड़ा शॉर्ट में। तो न्यू क्रिटिसिज्म एक फॉर्मलिस्ट मूवमेंट था लिटरेरी थ्योरी में, जो एम्फेसाइज करता था क्लोज रीडिंग को। मीन्स इस लिटरेरी मूवमेंट का जो फोकस था वो क्लोज रीडिंग में था, स्पेशली पोएट्री की क्लोज रीडिंग में। ये मूवमेंट लिटरेचर में ये डिस्कवर करने की कोशिश करते थे कि लिटरेचर किस तरह वर्क करता है, और एक लिटरेचर जो होता है, मतलब एक टेक्स्ट जो होता है, टेक्स्ट में कुछ भी आ सकता है, स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी, नॉवल या पोएम, ये अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट होती हैं। मतलब जो पर्टिकुलर टेक्स्ट की मीनिंग होती है वो उसके खुद ही में होती है, कहीं बाहर नहीं होती। तो फॉर एग्जांपल, अगर कोई एक पोएम को एनालाइज करना चाहता है तो उस पोएम की मीनिंग जो होगी वो उसी पोएम में होगी, वो अपने आप में सफिशिएंट है, किसी बाहरी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है उसे अपनी मीनिंग को रिवील करने के लिए। तो ये है न्यू क्रिटिसिज्म। अब आगे बात करते हैं, इसके बाद में हम आई ए रिचर्ड्स की कुछ पिक्चर्स देख लेते हैं, क्योंकि ऑडियो के साथ में जब विजुअल चीज़ें मिल जाती हैं तो उस चीज़ की मेमोरी ज़्यादा दिन तक स्टे करती हैं हमारी माइंड में, और आप इस नाम से इन पिक्चर्स को रिलेट कर सकते हैं। आई ए रिचर्ड्स के बारे में कहा जाता है कि वे 20th सेंचुरी में पहले ऐसे क्रिटिक थे जो इंग्लिश क्रिटिसिज्म में साइंटिफिक मेथड लेकर आए क्रिटिसिज्म का। ये टेक्निक जो थी आई ए रिचर्ड्स की, पूरी तरीके से ऑब्जेक्टिव थी। अपनी इन थ्योरी देने के बाद में आई ए रिचर्ड्स को क्रिटिकल कॉन्शसनेस ऑफ द मॉडर्न एज भी कहा जाने लगा। इनके वर्क जैसे कि प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म और कॉलेज ऑन इमेजिनेशन, द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक्स विद सी के ऑगडन एंड जेम्स वुड, द मीनिंग ऑफ मीनिंग, इन वर्क्स ने आने वाले कई क्रिटिक्स या कई स्कॉलर्स को काफ़ी इंस्पायर किया, और उनके बाद के जो स्कॉलर्स थे या फिर लिटरेरी क्रिटिक थे उन पर इनका जो इफ़ेक्ट है वो आसानी से देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट फैक्ट आता है, आई ए रिचर्ड्स की एक बुक थी जिसका नाम है प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, जो 1929 में पब्लिश की थी। इसमें उन्होंने अपनी लाइफ का एक एक्सपेरिमेंट शेयर किया था जो इन्होंने अपने कुछ स्टूडेंट्स के साथ में किया था। ये एक्सपेरिमेंट इन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में किया था। एक्चुअली में इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक पोएम ली और अपने कुछ स्टूडेंट्स को वो पोएम दे दी एनालाइज करने के लिए, और ना तो उसका नाम इन्होंने उन स्टूडेंट्स को बताया और ना ही ये पोएम किसने लिखी थी ये बताया, सिर्फ वो पोएम थी और उन बच्चों को उस पोएम को एनालाइज करना था। तो रिज़ल्ट ये आया, सब स्टूडेंट्स की जो एक्सप्लेनेशन थी, एनालाइज का तरीका था या फिर मीनिंग थी, वो सबकी एक दूसरे से अलग अलग थी। और इसी चीज़ से इंस्पायर होकर इन्होंने 1929 में प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म नाम की बुक लिखी और इसको पब्लिश कराया, जिससे न्यू क्रिटिसिज्म जो था मूवमेंट, इसकी शुरुआत हुई। रिचर्ड्स ने काफ़ी कुछ पोएम के बारे में लिखा है। इन्होंने कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो बताए हैं कि एक पोएम को जब हम रीड करते हैं तो उसकी सही सही मीनिंग ना निकाल पाने के क्या वजह हो सकती हैं, उसके क्या कारण हो सकते हैं। इवन जो एक रेपुटेटेड स्कॉलर होता है वो भी ये गलतियां कर सकता है। रिचर्ड्स ने बताया कि एक पोएम के जो वर्ड्स होते हैं उनका एक अलग मूवमेंट होता है, उनकी रिदम होती है, राइम होती है। अगर हम उन्हें साइलेंटली भी पढ़ें तब भी उनकी ये क्वालिटी कहीं नहीं जाती, और बहुत सारे रीडर इसको परसीव नहीं कर पाते, इसीलिए उसकी सही सही मीनिंग जो है वो निकल नहीं पाती। दूसरी चीज़ रिचर्ड्स ने ये बताई इमेजरी की, प्रिंसिपली मतलब मेन रूप से विजुअल इमेजरी की। पोएटिक रीडिंग में क्या होता है, जब एक रीडर किसी पोएम को पढ़ता है तो उसके माइंड में एक अलग तरह की जो इमेज है वो क्रिएट होती है पोएम के थ्रू।
ये जो इमेज है वो दूसरे राइटर से बिल्कुल अलग हो सकती है, उस ऑथर से अलग हो सकती है जिसने ये पोएम लिखी है अपने माइंड में कुछ चीज़ें रख करके। तो हर एक रीडर अपनी अपनी तरह से जो पोएम है उसकी विजुअल इमेजरी को क्रिएट करता है, मतलब उस पोएम से जो इमेज है वो डिफरेंट डिफरेंट बनती है हर एक इंडिविजुअल के माइंड में। इससे भी जो मेन आइडिया है वो अच्छी तरह से क्रिएट नहीं हो पाता, मतलब सही सही क्रिएट नहीं हो पाता। रिचर्ड ने थर्ड फैक्ट बताया, क्रिटिकली ट्रैप नाम दिया है इसको। उसने कहा कि कुछ ऐसे हमारे प्री कंसीव नोशंस होते हैं, मतलब एक तरह से प्रेजुडिस होता है जब हम कोई पोएम पढ़ते हैं या फिर कोई भी पीस ऑफ वर्क को पढ़ते हैं तो हमारा मन पहले ही बन जाता है कि ये अच्छा होगा या बुरा होगा। तो इस वजह से हम कभी कभी पोएम को मिसजज करते हैं, इसीलिए उसकी जो सही सही मीनिंग है वो जनरेट नहीं हो पाती। नेक्स्ट रिचर्ड बताता है कि सेंटिमेंटली भी कुछ चीज़ें होती हैं। अगर कोई इंसान एक्सेसिव इमोशंस में होता है, मतलब ज़्यादा दुखी होता है या ज़्यादा खुश होता है, तो उसको हर एक चीज़ अलग दिखाई देती है, वो हर एक चीज़ को अलग नज़रिए से देखता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई इंसान अगर दुखी है और उसके पास में एक पोएम है, वो एक पोएम पढ़ रहा है, तो वो उस पोएम से वही चीज़ें निकालने की कोशिश करेगा जो उसे लगेगा कि उसके साथ में भी सेम प्रॉब्लम है जो ये पोएम बता रही है। मीन्स हम अपने आप को उस वक्त से रिलेट करने की कोशिश करते हैं, तो इससे भी सही सही मीनिंग जनरेट नहीं हो पाती। फिफ्थ आता है इनहिबिशन। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसको इस तरह से समझते हैं कि अगर कोई इंसान है, उसका जो हृदय है वो बहुत ही हार्ड है, मीन्स कठोर हृदय वाला कोई इंसान है, तो वो भी किसी तरह की कोई भी पोएट्री हो, पोएम हो, उसमें कैसे ही इमोशंस हो, उसको वो पसंद ही नहीं आएगी और ना ही उसकी मीनिंग को वो समझ पाएगा। लास्ट में रिचर्ड्स कहता है कि प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो ये हैं कि वो स्टूडेंट्स को इनक्रेज करें वर्ड्स पर, मतलब एक टेक्स्ट पर ही, जो पेजेस पर है, मतलब जो पेज पर टेक्स्ट हैं उन पर ही कॉन्सेंट्रेट करें, बजाय उसके कि उनके जो भी बिलीव्स हैं, जो भी उनकी मान्यताएं हैं, उनके थ्रू कोई भी टेक्स्ट की मीनिंग निकालें। मीन्स सोसाइटी में हमारे कुछ बिलीव्स होते हैं, कोई हमारी सच्चाई होती है, हमारी सच्चाई हो सकता है किसी की अफवाह हो, वो हमारी सच्चाई हो सकती है, तो उसके बेस पर हम किसी भी टैक्स की अगर हम कोई भी मीनिंग निकालने की कोशिश करेंगे तो वो ज़ाहिरी तौर पर सही नहीं आएगी, वो गलत ही आएगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, जो पेज पर है सिर्फ उसी पर कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए स्टूडेंट्स का, यही न्यू क्रिटिसिज्म कहता है और यही आई ए रिचर्ड्स भी कहता है। इसके बाद में हम देख लेते हैं कि आई ए रिचर्ड्स के जो मेजर वर्क्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला वर्क जो आता है वो है द मीनिंग ऑफ मीनिंग, ए स्टडी ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ लैंग्वेज अपॉन थॉट एंड द साइंस ऑफ सिम्बोलिज्म, जो पब्लिश हुई थी 1923 में, और ये लिखी थी उन्होंने सी के ऑगडन नाम के दूसरे स्कॉलर्स के साथ में मिलकर, कोलैबोरेशन में ये वर्क लिखा गया था। सेकंड वर्क आता है प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, जो 1924 में लिखी गई थी, और इसके बाद में प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म जो 1929 में पब्लिश हुई, और इसके बाद में आता है द फिलोसफी ऑफ रेटोरिक जो 1939 में पब्लिश हुई, इसके बाद में कॉलेज ऑन इमेजिनेशन जो 1960 में पब्लिश हुई। ये कुछ मेजर वर्क्स हैं आई ए रिचर्ड्स के, आई होप आप इन सब को याद रखेंगे एग्ज़ाम तक। और ये वर्क्स जो होते हैं वो काफ़ी ज़रूरी हैं याद रखने, क्योंकि कभी कभी इनके नाम डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं और कभी कभी इनकी क्रोनोलॉजी भी पूछ ली जाती है। और इसके बाद में हम बात करेंगे आई ए रिचर्ड्स के कुछ मेजर कॉन्सेप्ट्स की। पहला कॉन्सेप्ट है उनका टू यूजेस ऑफ लैंग्वेज, जिसे सूडो स्टेटमेंट भी कहते हैं। इसके बाद में फोर काइंड्स ऑफ मीनिंग, इसके बाद में सेमियोटिक ट्रायंगल, नेक्स्ट आता है पोएट्री एंड सिनेस्थेसिया, नेक्स्ट आता है फीड फॉरवर्ड। कॉन्सेप्ट्स के बारे में जानने से ज़्यादा ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट किस किस के हैं। वैसे हम कुछ कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे ताकि कुछ समझ आ जाए आपको कि ये आखिर हैं क्या या किसके बारे में हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं आई ए रिचर्ड का कॉन्सेप्ट ऑफ द टू यूजेस ऑफ लैंग्वेज या फिर सूडो स्टेटमेंट।
आई ए रिचर्ड्स ने, जो कि एक न्यू क्रिटिक था, आपको पता ही होगा, उसने कॉलेज के बाद में, मींस पहले तो कॉलेज ने ये सारी चीज़ें की, उसके बाद में आई ए रिचर्ड्स ने फॉर्मुलेटेड तरीके से, यानी कि सिस्टमेटिक तरीके से कंप्लीट थ्योरी ऑफ पोएट्री को डिस्कस किया अपनी बुक प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म में। इस बुक में उसने बात की थ्योरी ऑफ लैंग्वेज की और टू यूजेस ऑफ लैंग्वेज की। टू यूजेस मतलब दो तरीके की लैंग्वेज होती हैं, एक साइंटिफिक होती है और एक इमोटिव होती है। पहले देखते हैं कि ये साइंटिफिक लैंग्वेज क्या होती है। अगर साइंटिफिक लैंग्वेज की बात करें तो एक लैंग्वेज जब हम यूज़ करते हैं साइंटिफिक पर्पज़ के लिए, तो हमारा सबसे ज़्यादा फोकस रहता है कि इसमें फैक्ट टू फैक्ट बात की जाए। या तो हम किसी को लिख के बताते हैं या फिर बोल के बताते हैं, दो ही तरीके होते हैं। तो हम चाहते हैं कि फैक्ट टू फैक्ट बात हो इसमें, और जिसे हम बताना चाह रहे हैं वो आसानी से समझ जाए। इसमें लॉजिक होता है, इसमें रेफरेंसेस होते हैं और वे भी लॉजिकल होते हैं, इसमें फिक्शन नहीं होती। साइंटिफिक लैंग्वेज को प्रूव किया जा सकता है, और क्योंकि इसमें रेफरेंस जो होते हैं वो बिल्कुल करेक्ट होते हैं। और दूसरा आता है पोएटिक लैंग्वेज, जिसे इमोटिव लैंग्वेज भी कहते हैं। तो ये दोनों में से कोई सा भी एक आ सकता है, पूछ लिया जा सकता है कि पोएटिक लैंग्वेज कौन सी है या फिर इमोटिव लैंग्वेज कौन सी है। तो जब पोएटिक लैंग्वेज की बात करते हैं तो ये दोनों तरह की हो सकती है, ये सच भी हो सकती है और ये झूठ भी हो सकती है। इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल सच हो या फिर लॉजिक हो, ये बिना लॉजिक की भी हो सकती है, और इसमें कुछ चीज़ें लॉजिकल हो सकती हैं, ज़रूरी नहीं है कि हो। इसमें जो रेफरेंसेस होते हैं या फिर इसकी जो टोन होती है वो इमोशनल होती है, इसमें फीलिंग होती है। और इसमें पहले जैसे हमने कहा कि इसमें लॉजिक कुछ नहीं होता, ना ही फैक्ट्स होते हैं, लेकिन ये इंटरेस्टिंग होती है, इसे पढ़ने में मज़ा आता है। ये थी आई ए रिचर्ड्स की टू यूजेस ऑफ लैंग्वेज। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है इसी का, फोर काइंड्स ऑफ मीनिंग। तो इसमें हम कह सकते हैं कि लिटरेचर की स्टडी के लिए या फिर दूसरी किसी कम्युनिकेशन मोड के लिए कई तरह की मीनिंग्स होती हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या तो हम बोलते हैं, लिखते हैं, सुनते हैं या फिर रीड करते हैं, इन सब में कई कई तरह की मीनिंग्स होती हैं। वो मेनली चार तरह की बताई हैं आई ए रिचर्ड्स ने, ये इस तरह से हैं। पहली होती है सेंस, दूसरी उसने बताई है फीलिंग, तीसरा टोन, फोर्थ में आता है इंटेंशन। तो इसमें क्या होता है, जो कुछ भी हम बोलते हैं अपनी आइडिया को कन्वे करने के लिए लिसनर्स को, और लिसनर को पता होता है कि हम किस रेफरेंस में बात कर रहे हैं, तो वो चीज़ों को समझ लेता है, तो उसी को कहते हैं सेंस। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है साइंटिफिक चीज़ों में, और ये वेरिफिकेशन इसका पॉसिबल है। चलिए इसको और आसान करते हैं, मतलब जो कुछ कहा गया है उसका क्या सेंस है, मतलब जो कुछ कहा गया है वो किस सेंस में कहा गया है, कहने वाला क्या सेंस क्रिएट करना चाहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने पी के मूवी देखी होगी और आपको उसका ये वाला डायलॉग भी याद होगा, देखते हैं कौन सा वाला, आपको पता चल जाएगा। ऐसे मुंडी लाओ और बोलो अच्छा है, अच्छा है, मत बोल सब ठीक ठाक है, वेरी गुड। आंख बड़ी करके बोलो अच्छा है, तो मतलब साख में है। तुम्हारी अम्मा का एक्सीडेंट हो गया, अच्छा साख, फिर गुस्सा आता है तो आवाज लॉड हो जाती है, अच्छा हमको सिखा रिया है, अच्छा। तो इसे देखने के बाद में शायद आपको आइडिया हो गया होगा कि सेंस क्या चीज़ होती है। इसके बाद में सेकंड काइंड ऑफ मीनिंग आती है फीलिंग, मतलब जो कुछ कहा गया है वो किस फीलिंग के साथ में कहा गया है, या फिर उसके पीछे क्या फीलिंग है, कौन सा इमोशन है जो वर्क कर रहा है उस बात के पीछे, या फिर जो कुछ बात है लिखी हुई है या कही हुई है। ये कही हुई बात या तो इफ़ेक्टिव हो सकती है या फिर इफ़ेक्टिव नहीं भी हो सकती, दोनों तरीक़ों में इसमें कोई ना कोई इमोशंस ज़रूर होता है। अगर इफ़ेक्टिव नहीं भी है तो भी कोई ना कोई इमोशंस या फीलिंग होगी, और कोई ना कोई फीलिंग नहीं भी होगी, कोई ना कोई फीलिंग होगी भी, तो फीलिंग होती है। इसके बाद में थर्ड काइंड ऑफ मीनिंग आता है टोन। तो इसमें क्या होता है, व्हाट इज़ द एटीट्यूड ऑफ राइटर बिहाइंड द राइटिंग, या फिर कह सकते हैं कि कही हुई बात की क्या टोन है, प्यार से कहा गया है, गुस्से से, इसमें फीलिंग भी आती है, लेकिन टोन अपने आप में अलग होती है। हम सब जब किसी से बात करते हैं, जब हम वर्ड्स को अरेंज करते हैं सेंटेंसेस में,
तो ये डिपेंड करता है हमारे सुनने वाले पे कि हमारा सुनने वाला कौन है, मतलब हमारा जो लिसनर होता है वही तय करता है कि हमें किस टोन में उससे बात करनी है। मतलब हम देख सकते हैं जब कोई बड़े से हम बात करते हैं तो हमारी आवाज़ थोड़ी सी धीमे होती है, थोड़ी सी प्यार में होती है। इसमें दूसरी चीज़ें भी आती हैं, जैसे कि कोई इंसान जब बात करता है तो किस तरह से खड़ा होता है, उसका बैठने का तरीका क्या है, उसके हैंड्स का मूवमेंट क्या है, ये सारी चीज़ें टोन में आती हैं। लास्ट एंड फोर्थ काइंड्स ऑफ मीनिंग आती है इंटेंशन, मतलब राइटर जानबूझकर या जाने अनजाने में ऐसा कौन सा इफेक्ट है रीडर पर जो डालना चाहता है या क्रिएट करना चाहता है या फिर चाहती है। रीडर अपने राइटर्स को खुश करना चाहता है, उनको सैड करना चाहता है, या फिर उसका एम क्या है अपनी राइटिंग के पीछे, और आखिर में करना वो क्या चाहता है, ये होती है इंटेंशन। हमने देखा होगा कि हर तरह के शायर होते हैं, हर तरह की शायरी होती है, कुछ दर्द भरी शायरी होती है, तो वो ऐसा क्या ड्राइव करना चाहता है अपनी दुख भरी शायरी से। आंसर आएगा कि वो दुख देके आराम देना चाहता है। तो आखिर में आपको पता चल गया होगा कि ये होता है इंटेंशन। इसके बाद में मेरी एक सलाह है आप सभी को कि कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि इन चारों जो कॉन्सेप्ट हैं उनको अरेंज करो, यानी कि जो ये सेंस फीलिंग और टोन और इंटेंशन को अरेंज करो, तो इसका हम एब्रिविएशन बना लेते हैं सेफ्टी, मतलब S फॉर सेंस, F फॉर फीलिंग, T फॉर टोन, I फॉर इंटेंशन। तो अगर इन चारों को हम मिला देंगे तो वर्ड बनेगा सेफ्टी, तो आप सेफ्टी से इसको याद रख सकते हैं। और अगर आपके पास में कोई और बेहतर तरीका है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसके बाद में जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है वो है सेमियोटिक ट्रायंगल। ये कॉन्सेप्ट जो था उनका सेमियोटिक ट्रायंगल, ये पब्लिश हुआ था द मीनिंग ऑफ मीनिंग में 1923 में। ये वर्क इन्होंने चार्ल्स के ऑगडन के साथ में लिखा था, इसीलिए इस ट्राइंगल को ऑगडन और रिचर्ड ट्राइंगल भी कहते हैं। वैसे ये आइडिया जो है वो 1810 में बर्नार्ड बोलजेनो ने एक्सप्रेस कर दिया था पहले ही। इसके बारे में हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल डिस्क्राइब ए सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द स्पीकर एज ए सब्जेक्ट, मतलब ये ट्राइंगल जो है तीन चीज़ों के बीच की जो रिलेशनशिप है उसको बहुत ही सिंप्लीफाइड कर देता है। वो स्पीकर को एज ए सब्जेक्ट देखता है, इसके बाद में जो कॉन्सेप्ट है उसको एज ए ऑब्जेक्ट देखता है, और साइन जो सिस्टम है जो सिग्निफाइड होता है उसको डेजिग्नेशन की तरह देखता है। तो आपको इसको बस इतना ही याद रखना है, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। UGC नेट में कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाते हैं कि ये कॉन्सेप्ट किसके हैं, तो बस हमें कॉन्सेप्ट याद रखने हैं कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट किस किस के हैं। इसके बारे में तो मैंने इसलिए बताया कि आपको ये याद रह जाए कि कौन सा कॉन्सेप्ट क्या है। तो इस वीडियो में जो कुछ ज़रूरी है वो है इसके फैक्ट्स, इनके कॉन्सेप्ट और टर्म एकदम से रट लेना, यही अच्छा रहेगा आपके लिए। और आज इस वीडियो में इतना ही है, आपके कोई सजेशंस हो तो ज़रूर शेयर करिएगा। और अगर आप ऐसे ही वीडियो और बिना सर्च किए अपनी YouTube की टाइमलाइन पर देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, हैव अ नाइस डे।